हेलो एवरीबॉडी, आज हम क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि क्लास 10th में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। हमें 12th में भी मिलेगा, पूरा का पूरा एक चैप्टर होगा और यहाँ भी पूरा एक चैप्टर है। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ठीक, तो डाल देंगे हेडिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक। तो इसमें लिखेंगे इट इज एन इंटरनल एंड फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ठीक। एंड दिस प्रॉपर्टी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ओनली when the transformation of electrons take place। ठीक, इसको समझिए। ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, ये किसी ऑब्जेक्ट की इंटरनल और फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी उस ऑब्जेक्ट में आती कब है, जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तब। देखिए, बाय फिगर इसको हम समझते हैं। मान लीजिए ये दो बॉडी है, ठीक। तो ये इन दोनों ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ भाई इंटरनल प्रॉपर्टी होगी, जैसे कॉफ़ी मशीन की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है चाय कॉफ़ी बनाना, ठीक है, और व्हीकल्स की या फिर ट्रांसपोर्ट की प्रॉपर्टी होती है चलना, ठीक है ना। तो ऐसे सब की प्रॉपर्टी है, तो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट की भी यह प्रॉपर्टी होगी। और इन ऑब्जेक्ट्स में चार्ज की प्रॉपर्टी कब आएगी, जब एक बॉडी से या फिर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हों, चाहे वो ए बॉडी से बी बॉडी पर हों, चाहे वो बी बॉडी से ए बॉडी पर हों, चार्ज ट्रांसफर होने चाहिए वो चाहे जहां से हों, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है कि इट इज एन इंटरनल एंड फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड दिस प्रॉपर्टी कम्स इंटू एग्जिस्टेंस ओनली एंड ओनली वेन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस, ठीक है। अब इसके बाद चार्ज की डेफिनेशन हमने पढ़ ली, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ चार्जेस, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो डालिए टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो चार्ज टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट पॉजिटिव एंड सेकंड नेगेटिव। देखिए पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है, पहला क्या है पॉजिटिव चार्जेस, ठीक। देखिए पॉजिटिव चार्ज जो हैं, वो जो है चार्ज दो होते हैं, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो प्रोटॉन किसके द्वारा कैरी किए जाते हैं, प्रोटॉन के द्वारा। तो लिखेंगे इट इज कैरीड आउट बाय प्रोटॉन्स, ठीक। इट इज कैरीड आउट बाई प्रोटॉन्स, और कितना कैरी किए जाते हैं, तो +1.6×10⁻¹⁹ कूलाम, ठीक है। चार्ज जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज, सेकंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो प्रोटॉन्स के द्वारा कैरी किए जाते हैं, जैसे हम साइकिल से गेहूं वगैरह ढोते हैं या फिर कुछ कोई भी मटेरियल ढोएंगे, ठीक है ना,
वैसे यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो प्रोटॉन्स के द्वारा कैरी किया जाता है, और जो हम गेहूँ ढोएंगे साइकिल से उसको कुछ ना कुछ अमाउंट होगा। तो वैसे यहाँ जो चार्ज कैरी हुआ हो रहा है, या फिर जो चार्ज कैरी हम करेंगे, या फिर जो चार्ज प्रोटॉन्स के द्वारा कैरी किया जाएगा उसका कुछ ना कुछ अमाउंट होगा। उसका अमाउंट होगा प्लस 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। ठीक है, फिर सेकेंड है नेगेटिव चार्जेस, सेकेंड है नेगेटिव चार्जेस। ठीक, ये इट इज कैरीड आउट बाय, इट इज कैरीड आउट बाय इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, ये किसके द्वारा कैरी किया जाता है? इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, और कितना? −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। ठीक, जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा कैरी किया जाता है, और कितना कैरी किया जाता है? −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम्ब। ठीक है, तो हम पढ़े कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज कब किसी ऑब्जेक्ट में आती है, फिर टाइप्स ऑफ चार्ज, चार्ज के टाइप्स क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जो है प्रोटॉन्स के द्वारा कैरी किया जाता है, नेगेटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा कैरी किया जाता है। ठीक है, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट ये सब भी था, बेसिक सा नॉलेज है। ये है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ठीक, तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। कह रहा है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो आपस में रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्ज होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल देखें, दो पावरफुल आदमी हैं, ठीक है, दो पावरफुल आदमी हैं, दोनों के पास सेम ताकत, तो क्या वो लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वो जान रहे हैं कि हम ना जीतेंगे ना हारेंगे। तो वैसे यहाँ चार्ज की कंडीशन है, अगर चार्ज सेम रहेगा तो वो रिपेल करेगा, अगर चार्ज सेम रहेगा तो वो रिपेल करेगा, और अगर चार्ज अपोजिट रहेगा तो वो अट्रैक्ट करेगा। और अपोजिट वाला क्या समझिए, अगर एक ताकतवर आदमी है और एक कमजोर आदमी है, तो ताकतवर तुरंत लड़ जाएगा पावरफुल वाला कि चलो इसको हम हरा देंगे। वैसे यहाँ पर है, अगर चार्ज अनलाइक हैं तो अट्रैक्ट करेंगे, और अगर चार्ज लाइक्स हैं तो वो रिपेल करेंगे। ठीक, आइए थोड़ा इसे देख लें एग्जाम्पल के बेस पर। जैसे मान लो प्लस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। ठीक है ना, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब ये इससे दूर भागेगा और ये चार्ज इससे दूर भागेगा। ठीक है ना, दोनों एक दूसरे के दूर भागेंगे। लेकिन अगर एक पॉजिटिव हो जाए और एक निगेटिव हो जाए तो दोनों क्या करेंगे, दोनों अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना, दोनों क्या कर जाएंगे, अट्रैक्ट, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, वैसे। ठीक है ना, तो वही कह रहे हैं कि जो लाइक चार्जेस हैं ये लाइक सेम सेम वो रिपेल करेंगे, और जो अनलाइक हैं अपोजिट्स वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, फिर सेकेंड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक, इसमें क्या है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू
अदर बॉडी। ठीक, कह रहा है कि जो चार्ज होंगे वो ना तो क्रिएट किए जा सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं, वो केवल क्या होंगे, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर केवल ट्रांसफर हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने एनर्जी का पढ़ा था ना, एनर्जी तो उसमें क्या पढ़ा था, नाइन्थ में हमने पढ़ा था एनर्जी, तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी क्या थी, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही थी, और यहाँ चार्ज क्या है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर होगा। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इसमें है दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, पहले लिख लीजिए फिर समझाते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस स्टेट्स दैट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ होल नंबर। कह रहा है कि जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, ये कहता है कि दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस स्टेट्स दैट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ होल नंबर। ठीक है, मैथमेटिकली इसको हम लिख सकते हैं, मैथमेटिकली क्यू इज इक्वल टू एनी। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है कि जो चार्ज होंगे उनकी यहां पर एन की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होगी, इट मींस पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होगी, जो भी होगी वो होल नंबर में होगी। ठीक है ना, होल नंबर में 0, 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होगी, ये वाला जो है यही बताता है कि दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस स्टेट दैट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑब्जेक्ट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जन को ही कहते हैं, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ होल नंबर, जो कि किसका मल्टीपल हो, होल नंबर का। तो यहां जो एन की वैल्यू होगी केवल 0, 1, 2, 3, 4 हो सकती है, मतलब एटसेट्रा ज्यादा से ज्यादा सकती है, लेकिन वो फ्रैक्शन में नहीं होगी, वो डेसिमल में नहीं होगी, वो केवल क्या किस में होगी, होल नंबर में होगी। ठीक है, और यहां पर देखिए इसको मतलब अभी जानने की जरूरत नहीं है, बट जानकारी के लिए बता देते हैं, यहाँ एक एक्सेप्शन है, क्या है, एक्सेप्शन एक है, लिख लीजिए एक्सेप्शन, क्वार्क। ठीक है ना, एक्सेप्शन क्या है, क्वार्क, सॉरी क्यू यू ए आर के, क्वार्क में जो एन की वैल्यू होती है वो +1/3 इलेक्ट्रॉन होती है या फिर +2/3 इलेक्ट्रॉन होती है। क्वार्क एक ऐसा केस है जो कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को फॉलो नहीं करता है। ठीक है ना, क्वार्क एक ऐसा केस है जो कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को फॉलो नहीं करता है। क्यों नहीं करता, क्योंकि यहां पर जो एन की वैल्यू है वो 1/3 और 2/3 है, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि जो एन की वैल्यू होनी चाहिए वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ होल नंबर होनी चाहिए, मतलब कि जो एन की वैल्यू है वो हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए, ना तो फ्रैक्शन में होनी चाहिए और ना ही डेसिमल में होनी चाहिए, बट जो क्वार्क में एन की वैल्यू है उसमें फ्रैक्शन में, सो इट डज नॉट फॉलो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया। अब हम जान लेते हैं मतलब चार्ज की, चार्ज कौन सी क्वांटिटी है, तो लिख लीजिए चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक, अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं क्यू इज इक्वल टू एनी पे,
क्यू इज इक्वल टू एनी पे हमें क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम्ब ऑफ चार्ज, इन वन कूलम्ब, वन कूलम्ब ऑफ चार्ज, यही क्वेश्चन है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम्ब ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करते समय ये ध्यान देते हैं कि सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, गिवन। तो यहाँ हमें क्या दिया गया है, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब यन की वैल्यू पूछ रहा है, और दिया क्या है वन कूलम्ब ऑफ चार्ज मतलब क्यू की वैल्यू हमें दिया है, चाहे स्मॉल क्यू लिखिए चाहे कैपिटल क्यू, ठीक है वन कूलम्ब। ठीक, पूछ क्या रहा है, यन पूछ रहा है। तो हम जानते हैं, वी नो दैट क्यू इज इक्वल्स टू एनी, यहां पर ई की वैल्यू हमेशा क्या होती है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब फिक्स है। ठीक है, ई की वैल्यू यही होती है। तो हमसे एन की वैल्यू पूछ रहा है, तो एन इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपान ई, क्यू की वैल्यू हमें दी गई है वन कूलम्ब, ई की वैल्यू होगी 1.6 × 10⁻¹⁹, ठीक है पॉइंट हटेगा। ठीक, ये पॉइंट है, देखिए यहां हम सॉल्व कर रहे हैं, वन एन इज इक्वल टू पॉइंट हटेगा, यहाँ 10 हो जाएगा तो 10/16, और ये ऊपर चला जाएगा तो 19, 10^19 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 0 पॉइंट कितनी बार जाएगा, 6 बार 16, 6 जा 96, 16 2 जा 32, 16 5 जा 80। ठीक, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.625 × 10⁻¹⁹, या फिर ये इसके इक्वल होगी, देखिए 6.25 × 10⁻¹⁸ कूलम्ब। ठीक है, ये कैसे हो गया, देखिए देखिए ये पॉइंट है, जब हम पॉइंट को एक डिजिट इधर लाएंगे तो ये जो पावर ही एक कम हो जाएगी, और जब हम इस पॉइंट को एक डिजिट इधर ले जाएंगे तो ये पावर जो है वो एक बढ़ जाएगी। तो हम ये पॉइंट को एक डिजिट इधर ले आ रहे हैं तो पावर क्या होगी, इधर होगी, जब पावर इधर ले आएंगे तो पावर इधर होगी मतलब सब्सट्रैक्ट होगी, तो ये इधर ले गए तो एक पावर एक कम हो गई, तो इसीलिए 6.25 × 10⁻¹⁸ कूलाम ये हो गया। ठीक, इसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, और सेमी कंडक्टर क्या होता है। तो थोड़ा देखिए डिफिनेशन है, ज्यादा कुछ नहीं है। कंडक्टर, ठीक है, तो द मटेरियल्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रीली इज कॉल्ड कंडक्टर। ठीक, ऐसे मटेरियल्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्रीली कंडक्ट कर सके, मतलब ऐसे मटेरियल्स जिनसे इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से पास हो सके। ठीक है, मान लीजिए एक कंडक्टर है, ठीक है, इससे इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, आसानी से पास हो रही है, तो ये मतलब क्या हो जाएगा, कंडक्टर है। या फिर हम कह रहे हैं कि कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, या फिर कोई भी मटेरियल है, इससे हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत फ्रीली पास हो रही है, तो ये मटेरियल कैसा हो जाएगा, कंडक्टर है। ठीक है, तो कंडक्टर डिफरेंस सिंपल से, द मटेरियल्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रीली इज कॉल्ड कंडक्टर्स। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, मिक्सर हो गया हमारा, फैंस हो गए, वॉशिंग मशीन हो गई। ठीक, इन सबसे करंट इजीली पास होते ही नहीं, क्योंकि बिना करंट के चलेगा ही नहीं, पास होती है तभी चलता है। फिर आते हैं हम इंसुलेटर पर, इंसुलेटर पर, तो द मटेरियल्स विच डू नॉट
या फिर विच डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रीली, ठीक है, ऐसे मटेरियल्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्रीली कंडक्ट ना कर सके उन्हें हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, रबर, ग्लास, प्लास्टिक एटसेट्रा, ठीक। उसके बाद एक छोटा सा बचा है, होता है सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स वे होते हैं जो कि कंडक्टर की भी प्रॉपर्टी होल्ड करें और इंसुलेटर की भी प्रॉपर्टी होल्ड करें, ठीक है। द मटेरियल्स which holds the property, which holds the property of both conductor as well as insulator called semiconductors, ठीक। ऐसे मटेरियल्स जो कंडक्टर की भी प्रॉपर्टी होल्ड करें और इंसुलेटर की भी प्रॉपर्टी होल्ड करें, ऐसे मटेरियल्स को हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। एग्जांपल लिख लीजिए, सिलिकॉन, जर्मेनियम एटसेट्रा, ठीक। तो आज इतना ही, बाकी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।